गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल होता है। देखिए, TB0 किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। इसे हम डिनोट कर रहे हैं TB0 से। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB। इनका जो डिफरेंस है डेल्टा TB, इसे कहते हैं हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कथनांक का उन्नयन। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसे हम वाटर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, वाटर है, वाटर एक प्योर सॉल्वेंट है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है। ठीक है, वाटर का कुछ बॉइलिंग पॉइंट हुआ। जैसे ही हमने वाटर में कोई सब्सटेंस मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल नहीं होगा, इसे बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसे बॉइल होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि इसे वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट में जैसे ही हमने कुछ मिलाया, सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। तो वाटर का वेपर प्रेशर था, वाटर में जैसे ही हमने कुछ मिलाया, सॉल्यूशन बन गया, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब उसे हम गर्म कर दें तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा देर तक गर्म होगा, तो इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। किसी भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के यदि हम वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है। जितना वेपर प्रेशर कम होगा, उसे बढ़ाने के लिए, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा। उतना ही जितना वेपर प्रेशर कम, उसे हम फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा हीट देंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। उसमें आपको सारा समझाया है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्यूशन का, उसका रीजन क्या है। हमने यहां से स्टार्ट किया है, हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा TB जो है डेल्टा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उसके बराबर है। ये हमने लिखा था रॉल्स लॉ से, तो हम लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन को देख के, हम लिख सकते हैं डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट दिया है के, तो इस तरह से इक्वेशन आ गई। स्मॉल n हम जानते हैं और कैपिटल n हम जानते हैं, क्योंकि हमें कई बार हम इन चीजों को यूज कर चुके हैं। इन सब की हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में देखिए के कांस्टेंट है और कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, N क्या है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हमने एक नया कांस्टेंट के लिख दिया। तो हमने इसको दिखाया भी ऐसे बड़ा करके के, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो एक नया कांस्टेंट है के। इसे हम कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। के को ही मैंने शॉर्ट में लिखा है, के क्या है एलिवेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा TB इक्वल टू के, ये वैल्यू। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए स्मॉल n 1 मोल है, यानी कि सॉल्यूट 1 मोल है,
इस वन मोल सॉल्यूट को हम 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने माना है कि यदि सॉल्वेंट 1 ग्राम है और सॉल्यूट 1 मोल है तो डेल्टा डी बी इसके बराबर होगा, के बराबर। तो ये यहां से डेफिनेशन आ गई एलिवेशन कांस्टेंट की। एलिवेशन कांस्टेंट ये बड़ा वाला के है। तो जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन कांस्टेंट। ये एलिवेशन कांस्टेंट उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन है। ये यहां पे जो है के जो है वो बड़ा के है, ये वाला के है, और इसे हम कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट जो है डेल्टा टीबी के बराबर है। कब? यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जब हमने 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ही बताइए, क्या 1 मोल को हम 1 ग्राम में डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हमने अब आगे क्या किया, हमने 1 ग्राम की जगह, या एम तो अभी भी 1 मोल है लेकिन हमने डब्ल्यू 1000 ग्राम रखा है, 1000 ग्राम या 1 केजी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, के नीचे हम 1000 लगा रहे हैं। वही वाला फॉर्मूला है, ये चीज तो 1 है, ये पहले 1 थी लेकिन अब ये जो है 1000 आ गई, तो के अपॉन 1000 आ गया। तो के अपॉन 1000 एक और नया कांस्टेंट आ गया जिसे हम लिखते हैं के बी। तो ये जो है डेल्टा टीबी की अब हमने इस तरह से वैल्यू निकाली। के की जगह हमने क्या रख दिया, 1000 मल्टीपल के बी। ये आपके आ गया डेल्टा टीबी की वैल्यू। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए केबी भी एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं, इसके 2-3 नाम है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इब्लोस्कोपी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू ये आया, ये कब आया, जब हमने 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। और यही तो एक्चुअल में मोलिलिटी होता है, मोलारिटी में यही होता है, 1 मोल ऊपर होता है, नीचे होता है 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इन सब की जगह हम मोलारिटी भी लिख सकते हैं। और केबी की डेफिनेशन आ गई, जब हम 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इब्लोस्कोपी कांस्टेंट और मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से आपकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हुई है। बिल्कुल सेम इसी की तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, सभी स्टेप वापस से वही है जो कि आपने इसमें पढ़े। थैंक यू।